नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप पर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई अपडेट्स। भारत में विदेशी यात्रियों को रोकने के लिए 15 अप्रैल तक तकरीबन सारे वीजा रद्द किए जा चुके हैं। अब भारत ने इस लॉकडाउन को और तगड़ा करने का फैसला किया है। 16 मार्च सोमवार को आए नए आदेश के मुताबिक अब यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, टर्की और यूनाइटेड किंगडम से आने वाली फ्लाइट भारत के किसी भी हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकती। ये बैन अगले आदेश तक जारी रहेगा। कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, ओमान और कुवैत से आने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटाइन में 2 हफ्ते रहना ही होगा। कोविड 19 के पॉजिटिव केस लगातार बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमार लोगों से अपील की है कि वो खुद को बिल्कुल अलग रखें। यात्रा की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सरकार ने कहा, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और कुवैत से आने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटाइन में 2 हफ्ते रहने का निर्देश 18 मार्च की रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। अब तक चीन, इटली, ईरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के लिए ही ये नियम लागू था। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, टर्की और यूनाइटेड किंगडम से उड़ान भरने वाली हर एयरलाइंस को ये बात याद रखनी होगी कि भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर उनका डिपार्चर नहीं हो सकेगा। ये नियम अस्थायी तौर पर लागू किए गए हैं और 31 मार्च की रात 12 बजे तक लागू रहेंगे। इन देशों से आने वाली बड़ी एयरलाइंस हैं ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा, वर्जिन अटलांटिक और टर्किश एयरलाइंस। अगर बाकी फ्लाइट्स की बात ना की जाए तो इन मुख्य एयरलाइन से ही हर हफ्ते भारत के कई एयरपोर्ट पर 170 विमान उतरते हैं। वहीं एयर इंडिया लंदन, कोपेनहेगन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, स्टॉकहोम और इस्तांबुल के लिए एक हफ्ते में 70 फ्लाइट भेजती है। हालांकि पिछले 2 हफ्तों से कम पैसेंजर आने की वजह से इनमें से ज़्यादातर फ्लाइट पहले से कैंसिल चल रही हैं। बात अमेरिका की, जो पहले ही इस तरह के कदम उठा चुका है। 11 मार्च बुधवार को देश के नाम दिए संदेश में ट्रंप ने कहा था, यूरोपियन यूनियन कोरोना वायरस से प्रभावित चीन समेत अन्य देशों पर यात्रा संबंधी कोई भी प्रतिबंध लगाने में नाकाम रहा है। हम यूरोप से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 30 दिन का बैन लगा रहे हैं। यूके पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अमेरिकी नागरिकों के जीवन और सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड 19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,654 हो गई है। यह इस वीडियो के बनने तक का आंकड़ा है। भारत में कुल 126 केस कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे सुमित। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मोहन। कोरोना वायरस से जुड़ी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।